seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. मैं इसमें एक पॉइंट दिया रहता है सर। सर ये देखिए, ये एक पॉइंट है, कम से अगर ज़्यादा था ये पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट है वॉइस। तो गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुंचना चाहिए ये टावर क्रेन क्या होगा, दूसरे लोगों को भी पता चले, कई लोग ये जानते नहीं है इंडिया में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आवर चैनल, दिस इज समीर शेख, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ, टावर क्रेन। टावर क्रेन का इंडिया में किसी ने व्लॉग नहीं किया, मैं पहला बंदा हूँ जो व्लॉग कर रहा हूँ, इसकी परमिशन नहीं होती है और मैं हूँ सेफ्टी ऑफिसर, इसके लिए मैं आज चेक करने के लिए जा रहा हूँ। पर ऐसे ही साथ में सोच लिया गया इसको भी व्लॉगिंग करके डाल देंगे और इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ नहीं है। कई लोग को जानना है कि इसके अंदर क्या होता है और मटेरियल कैसा उड़ता है, मटेरियल का लीवर क्या होता है, अंदर क्या क्या रहता है। और मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे इसका एक व्लॉग बना के डाल दो, उसमें क्या क्या होता है क्या क्या नहीं, वो लोग को भी जानना था, इसके लिए मैं उसका व्लॉग बना के एक डाल दूंगा। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं, कंपनी के बाहर हूं अभी, यहां से हम लोग जाएंगे अंदर। नो मास्क नो एंट्री, और मैं भी मास्क लगा चुका हूं, अंदर देखेंगे अभी। ठीक है आपको देखते आप लोग, अभी मैं भी मास्क लगाया हूं, मास्क रहेगा तो अंदर एंट्री है, नहीं तो एंट्री नहीं है अंदर। ठीक है गाइज, अभी मैं जाऊँगा अंदर। ठीक है, ये हमारे सिक्योरिटी, ये है, मैं ऊपर जा रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। सो इसका मैंने परमिशन लिया है, ऊपर जाने के लिए किसी का परमिशन नहीं होता। क्या है ना, मैं सेफ्टी वाला सेफ्टी ऑफिसर हूँ, इसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन मैनेजर से परमिशन ले लिया है, इसका परमिशन मिल गया है। और संतोष साहू सर हमारे आगे खड़े हैं, उनसे भी आपको मिला दूँगा। ये है विकास और ये है अमर, दोनों भी हाई अलर्ट रहते हैं, नो मास्क सर नो एंट्री। ठीक है, अभी कोविड का सिचुएशन है, यहाँ पर देख सकते आप ऐसा है। ठीक है, सिक्योरिटी कैबिन। और ये अपना है राम, गोदरेज वालों की तरफ से है राम। ठीक है, कुछ ऊपर जा रहा हूँ, एक बार विजिट करना है। हाँ, एक बार विजिट करना ऊपर, हाँ। जाके आता हूँ। हाँ ठीक है ना राम, हाँ ऊपर। ठीक है, यहाँ पर लोड कैसा उड़ता है, टावर क्रेन कैसा है, आप लोग को दिखा देता हूँ। और हमारे सार है यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर संतोष साहू सर, ये है संतोष साहू सर, संतोष साहू सर है कंस्ट्रक्शन मैनेजर है ये सर, कुछ बोलेंगे सर? एक्चुअली ये हमारा शमी है, ये हमारा सेफ्टी में बहुत अच्छा काम करता है और अभी जा रहा है क्रेन का देखने के लिए, और सेफ्टी का काम पूरा अच्छी तरह देखता है अपना, और पूरा बढ़िया साइट का काम देखता है, और आज यूट्यूब का बना रहा था, अच्छा यूट्यूब वीडियो भी अभी बनाता है, तो आप लोग को दिखाएगा क्रेन का कैसा क्या रहता है, तो आप लोग आगे कंटिन्यू करिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, मैं जाके आता हूँ सर। हाँ ओके, ऐसा सेफ्टी का अपन एक रेलिंग पाथवे बना कर रखा है। सिग्नल मैन नीचे, अभी यह मेट्रो उठा रही है, हमारा इलेक्ट्रिशियन रजत और ये दोनों हेल्पर। ठीक है, जाओ आप लोग, जाओ लेके जाओ डीजल। तो मेटेरियल कैसे लिफ्टिंग होता है अभी आप लोग देखिए, यहाँ पर उसको बेल्ट फंसा दे के एंगल इसको लार्ज लगाना है। ये है सिग्नल मैन, इनका नाम है सिप्पी सिंह, बराबर सिप्पी? ठीक, और इसको टैग लाइन दोनों साइड भी प्रोवाइड किया है सिग्नल मैन ने। हमारे पास दो सिग्नल मैन है, एक है नीचे और एक है ऊपर, ये बिल्डिंग के ऊपर और एक है। ठीक, सिप्पी सिंह और इन्हों लेके जाएंगे हम आपको टावर क्रेन के गेट तक, तो मैं सेफ्टी बेल्ट पहन लूँगा और ऊपर जाऊँगा। ठीक है, चलो सिप्पी लेके चलो, वहाँ पर गेट में जाएंगे देखेंगे। इस तरह से होता है और यहाँ पर लॉक होता है, कोई अनदर पर्सन इसमें अंदर जा नहीं सकता, इसको लॉक होता है हमेशा। ठीक है, इसको हमेशा लॉक होता है, जो परमिशन लेगा वही अंदर जाएगा। यहाँ से मेरे को ऊपर जाना है, उसके बाद भी फिर ताला डाल दिया जाता है। मुझे एक हाथ से वीडियो बनाने नहीं आ रहा है। ये है फॉल अरेस्टर और ये है लाइफ लाइन। ठीक है, ये इसमें बनाया है हम लोगों ने लाइफ लाइन, ये है फॉल अरेस्टर। जैसे आप अगर कुछ आपको चक्कर आ गया, बीपी हाई हो गई या आपकी हार्ट बीट बढ़ गई,
आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हाथ आपके छूट गए, तभी आपको हैंग करके रख देगा। ठीक है, अभी मेरे को एक हाथ से वीडियो बनाने नहीं आ रहा है, एक हाथ से और ये कैमरा पकड़ने नहीं आ रहा है, तो मैं ऊपर जाता हूँ, आपको ऊपर का दिखा दूँगा। ठीक है, देखिए आप लोग ऊपर क्या है और देखते हैं हम लोग। और इतना ऊपर जाना है मुझे, यहाँ तक तो पहुँच गया मैं और इतना ऊपर जाऊँगा, आप लोग देखते रहिए। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना होता है अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, एक प्लेटफॉर्म है, जगह जगह पर अगर आपको रेस्ट करना है तो भी रुक सकते हो। दिख रहा है गाइस व्यू, उस साइड में भी एक चल रहा है टावर क्रेन और इस साइड में चल रहे हैं दो, ये पूरा हिल स्टेशन है। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं यहां पर, और यहां पर है कैबिन। ठीक है, ऑपरेटर का कैबिन है, यहां है ऑपरेटर। ठीक है, कैबिन खोलते हैं, और यहां पर है ऑपरेटर। और वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो, क्या चल रहा है? अच्छा, अभी उठा रहे हो गैस स्टील का लोड? ठीक है लोड उठाइए, हम लोग करते हैं बाद में बात। हाँ ठीक है, आप लोड उठाइए। जानते हैं ये जूम लाइन का टावर क्रेन है और 5 टन का टावर क्रेन है। ठीक है ऑपरेटर जी, इसको अभी अपन लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से देखेंगे हम लोग कैसा होता है। ये अपने स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर माइक दिया, यहाँ पर वॉकी टाकी दिया हुआ है, इससे ही साउंड आती है अपने। इसका लाइन चल रहा है ना? हाँ, अभी देखिए आप में वो कर दिया, फिर मैं इसको मैं ऑन किया। हाँ, इसको जब मैं ऑन में कर दिया, अभी हाँ। लाइट जलेगा, मोमेंट लाइट है ये। हाँ, राइट, जब ये लाइट जलेगा, ये लाइट बंद हो जाएगा, कम मैं ऑपरेट में कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक। अब ये और ये इमरजेंसी स्विच है ना? हाँ, ये इमरजेंसी स्विच है, इससे डाउन टाइप, डाउन और अप। हाँ, अप होता है। हाँ, डाउन अप। ठीक, सिंगल लाइन, कॉमन लाइन, कॉमन लाइन, ये मैं टाइप कर रहा हूँ। देखो लोड, ठीक है, अभी नीचे से अपन लोड उठा रहे हैं, देख लीजिए आप लोग वहाँ पर है। जूमिंग करता हूँ, यहाँ पर है अपना सिग्नल मैन। ठीक है, दिख रहा होगा, कौन सा ये अपना स्विंग लॉक है। अच्छा, इसको मैं ऑन करता हूँ। हाँ, पहले ये ऑफ हो गया। हाँ, अब ये ऑन हो गया। हो गया, राइट। अब ये मैं लेफ्ट स्विंग का मैं कर रहा हूँ। हाँ, इधर देखिए लेफ्ट स्विंग। हाँ ठीक है, बूम बूम को दिखा देते हैं। हाँ, ये मैं आप थोड़ी में अंदर स्विंग कर रहा हूँ। ठीक, डाउन ये हो गया। हाँ, तो अभी ये जो बूम देख रहे हो आप लोग, ये बूम का उसमें लिखे हुआ है 16.3 mm, उसके आगे है 25 mm, फिर उसके आगे 30 mm, 35 mm, 45, ऐसा करके पूरा आपको जूम में दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये है क्रेन जूम लाइन का, और इसमें अपना 5 टन का क्रेन है ये। ठीक है, ये 5 टन का क्रेन है, और किस में कितना लोड उठाना है उसका कटआउट्स आपको यहाँ पर दिखा देगा। ये है डिस्प्ले, ठीक है, इसका ये है डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले में आपको दिखा अपना, देगा अपना कितना ट्रॉली है। हाँ, और ये बताता है, अभी अपना 32 मीटर पे है। हाँ, ठीक है, 32 मीटर पे। हाँ, और जैसे अपना ट्रॉली आउट होता है। हाँ, और फिर इन होता है। हाँ, तो वो लोड कितना उठता है। हाँ, तो इस पे पूरा हम बताता है, दिखा अभी, देता है। अभी मैं सरिया का लोड उठा रहा हूँ। हाँ, उधर में दिखाइए। हाँ, अभी मैं उठाया हूँ मैं। हाँ, सरिया का लोड तो यहाँ पे बता रहा है 337 kg है, यानी 350 kg के आसपास में है ये लोड। हाँ, ठीक है, बाकी अपना ये कितना डाउन हुआ है वायर रफ। हाँ, वायर रफ भी बता रहा है 41 मीटर अपना डाउन हुआ है। अभी ये लोड में उठा रहा हूँ, ये टावर ऑन में जाएगा लोड। ये क्रेन बिना सिग्नल मैन के से नहीं चलता है, और बिना सिग्नल मैन के बिना लोड नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये रिक्स ही होता है। ये क्रेन एक्चुअली रिक्स है, बिना सिग्नल मैन का बहुत से ऑपरेटर होते हैं कि बिना सिग्नल मैन का क्रेन चलाते हैं और लोड भी उठा लेते हैं। सिग्नल मैन रहने से ऑपरेटर का 4 आंक होता है। तो अभी क्या है ना, हम लोग भी ये जो KEC कंपनी है, यहाँ पर 2 सिग्नल मैन प्रोवाइड करी, एक होता है नीचे और एक होता है ऊपर बिल्डिंग के। ठीक है, इससे हम लोग को क्या है, सेफ्टी का भी बहुत सावधानी से ख्याल रखना पड़ता है। बिना टैगलाइन का नहीं उठाता है सर, क्योंकि
टैगलाइन रहने से ही वर्कर को जो है ना सेफ्टी होता है। अभी नीचे में दो वर्कर खड़ा है, एक फोरमैन खड़ा है और एक सिग्नल मैन खड़ा है, ठीक है। ये तीनों चारों मिलके इस लोड को नीचे उतार लेंगे वो लोग। देखिए डाउन हो गया अपना, हाँ ये अपना सलाब ऊपर हो गया। बहुत बचाना पड़ता है कि और क्रेन ऑपरेटर करते समय में कंपलसरी हम लोग को ये है वॉकी टाकी और यहाँ पर ऑपरेटिंग का पूरा गियर बॉक्स सब चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। मोबाइल नहीं यूज़ करना है अपने को, क्या है ना, अपन मोबाइल यूज़ करेंगे फिर बाद में कुछ इंसिडेंट एक्सीडेंट होने के बहुत सारे चांसेस है इसमें। तो हम लोग को जो काम करना है वो काम के ऊपर ही हमारा दिमाग रहना चाहिए, बॉडी भी प्रेजेंट माइंड भी प्रेजेंट, ठीक है ना, आंसर ही बराबर है। अभी जो आ रहा है ये यहाँ पर आ रहा है ना, ये है ट्रॉली और नीचे में जो है ये जो दिख रहा है ये आपको, ये है इसको बोलते हैं हुक, और हुक के अंदर होता है एक लार्ज बराबर, वो लार्ज बराबर लगाने से मटेरियल कुछ भी नीचे गिरने के चांसेस नहीं है। और ये आ गया हमारा ट्रॉली, देख सकते आप लोग ये ट्रॉली है। और यहाँ पर है एनीमोमीटर, अभी विंड्स कितना चल रहा है, हवा एयर विंड्स मतलब एयर, ये दिख रहे हैं, ये है एनीमोमीटर, ठीक है। अभी 4.6 पे है, 4.6 पे चल रहा है, 11 पे आ जाए जब 13 पे आ जाए हाँ इस पर ऑपरेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्रेन को बंद कर देना चाहिए, ठीक, क्योंकि हवा बहुत तेज होता है, बूम को भागने का भी डर रहता है, हाँ। कहीं जाकर के लड़ गया कहीं किसी में लड़ जाएगा, हाँ, इसीलिए क्रेन हाँ। को जो है ना फ्री कर देना चाहिए, इंसिडेंट होने के चांसेस हाँ। है बहुत। तो ये है अपने ऑपरेटर, इनका नाम है तारिक अंसारी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद तारिक अंसारी। गाइस आप लोग को मैं नहीं, थोड़ा नोसमा नीचे करो तो उसमें सुने आता है, खाली थोड़ा नीचे करो, हाँ अभी बोलो सर। मैं क्या बोलता हूँ गाइस, आप लोग को एक मैं इन्फॉर्मेशन में देना चाहता हूँ कि जब भी आप क्रेन ऑपरेट करके नीचे उतरिए तो स्विंग लॉक को जो है ना रिलीज करके उतरिए। अपना स्विंग लॉक रिलीज करने से एक सेफ्टी ये होता है कि रात की रात कभी कोई भी टाइम में अगर हवा तेज हो जाए तो अपना बूम जो है ना फ्री घूमना चाहिए, अगर फ्री घूमेगा तो अपना कोई डर नहीं रहता है। अगर वो स्विंग लॉक करके आप लोग आ गए नीचे तो अगर हवा तेज हो गया, रफ्तार उसका तेज है, तो क्रेन गिरने का भी डर हो सकता है। मैं ऑपरेटर को मैं देखा हूँ कि स्विंग लॉक करके ही आता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए और स्विंग को रिलीज करके ही आना चाहिए। गाइस इस बात को फॉलो करिए, बस आप लोग अच्छे से ऑपरेट करिए। तो गाइस ये है स्विच, अप एंड डाउन का स्विच है, देखो जैसे अभी नीचे जा रही है, ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। मेरे को ऑपरेटर तो नहीं आती है, मैं इसकी ट्रेनिंग नहीं लिया है, देखो अभी ये नीचे जाएगा, दिख रहा है आपको, ये नीचे जाएगा और फिर और करने से और नीचे जाएगा। इसमें भी एकदम स्विच गियर कलेज, ये कलेज जो येलो है ये कलेज टाइप का है, ठीक है, और काफ़ी मेंटेन करके रखा है यहाँ पर जूम लाइन वालों ने, और टावर क्रेन का ऑपरेटर भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा है। यहाँ पर दिया है फायर एक्सटिंग्विशर और यहाँ पर हेलमेट है, ये है हेलमेट, और यहाँ पर है पानी पीने का, ये चाय भी कुछ भी पी सकते हैं, पर नीचे में पानी पीने का है, और यहाँ पर ब्रश है क्लीन करने के लिए, और यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर है। और इस मंथ का इंस्पेक्शन हुआ है, मैं चेक करने के लिए आया था क्या क्या है, और फायर एक्सटिंग्विशर ऑन में है, और ये ग्रीन पे डिस्प्ले, इसमें भी फायर एक्सटिंग्विशर आपको देखना है कि ग्रीन पे काटा है क्या डिस्प्ले, इसमें डिस्प्ले दिख रहा है आपको कि ग्रीन में है तो ओके है, चार्ज है इसमें, अगर ये रेड पे आ गया तो प्रेशर डाउन हो गया, इसको निकाल लेना है आपको, ठीक है, काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा है। तो अभी हम लोग देखेंगे ऊपर में मेंटेनेंस में फिर क्या है इसका, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर देखने के लिए, और हर कोई नहीं आ सकता यहाँ पर, परमिशन लेके आना, मैं इसके लिए शूट किया ये वीडियो ताकि मेरे फ्रेंड्स को मालूम चले और दूसरे जो सेफ्टी ऑफिसर है और जो दूसरे टावर क्रेन के ऑपरेटर्स है, आउट ऑफ कंट्री में बहुत सारे शूटर्स होते हैं इसके, बहुत सारे लोग आउट ऑफ कंट्री में शूट करते हैं, और मैंने यहाँ पर इंडिया में पहला व्लॉगर हूँ जो पहला सेफ्टी ऑफिसर हूँ इस कंपनी में, परमिशन लेकर मैंने इसको शूट किया है। ऑपरेटर से भी बोल दिया है मैंने कि कल सुबह में आएंगे, कल इसका शूट करेंगे हम लोग, मैंने उनको बता दिया था। तो ठीक है सर, आप लोग जैसे विजिट के लिए आएंगे तब वीडियो बना लेना बोल के ऑपरेटर ने भी मेरे को बतला दिया था। ऑपरेटर का नाम है तारिक अंसारी, काफ़ी अच्छा बेहतरीन ऑपरेटर है। और कितने साल का एक्सपीरियंस है सर? मैं 7 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ 7-8 साल का तारिक अंसारी जी को एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग करते हैं, अभी तक कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट नहीं है यहाँ पर, अच्छे से काम हो रहा है।
आप लोग भी ऐसे करिए, अच्छे से देखिए। और इसमें अपन ऊपर जाएंगे, आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको फ्रंट में जो बूम है, बूम में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, वो अपना ट्राली फंस गया या वायर फंस गया, आपको उधर जाकर काम करना है, जा सकता है। इसमें 10 टन के ट्रेन में क्या था, 10 टन का जो ट्रेन था उसमें अंदर से एक प्लेटफॉर्म दिए हुए थे। अभी 5 टन के इसमें ट्राली है अपने पास, ट्राली में आप लोग खड़े हो सकते हो, ठीक है, ये बेटर है। और अपन ऊपर देखेंगे सीलिंग कैसे कैसे घूमता है, सीलिंग कहीं डैमेज है क्या, ग्रीसिंग हुआ क्या, आइलिंग हुआ क्या, हम लोग ऊपर भी जाकर देखेंगे। चलिए फिर ऊपर जाते हैं। सो गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर। यहाँ पर है ये मूवमेंट लिमिट, ठीक है, यहाँ पर है मूवमेंट लिमिट। ये है जो अभी घूम रहा है ऊपर, ये है एनेमोमीटर के पंख जो घूम रहा है, कितना विंड चल रहा है, कितना एयर चल रहा है। आपको नीचे में जो आपको दिखाया था मैं 4.2, 3.6, 3.7 जो एनेमोमीटर होता है, यहाँ से ही हमको नीचे में पता चल जाता है। और इसके ऊपर में है एक, आपको दूर से दिखा दूंगा, वो यहाँ से नहीं दिख रहा है, आपको दूर से दिखा दूंगा इसके ऊपर का। और उसके ऊपर में है एक छोटा सा ब्लिंकर लाइट जो दिख रहा है आपको, एलिवेशन लाइट। ऊपर से जो प्लेन जा रहा है अभी जो दिख रहा है छोटा सा लाइट, ऊपर से जो आपका प्लेन जा रहा है उसको आपको सिग्नल मिल जाएगा कि यहाँ पर कुछ चीज़ है जो दिख रही है हमको, तो यहाँ पर वो ज़्यादा नीचे से नहीं जाएगा एरोप्लेन हो कुछ भी, ठीक है, एरोप्लेन या चाहे हेलीकॉप्टर हो कुछ भी रहने दो, वो ज़्यादा नीचे तक नहीं आएगा, ऊपर से ही चला जाएगा, तो उसको ब्लिंकर दिखता रहेगा। सो गाइस, ये जो बिजली गिरती है, ठीक है, उसको लग भी जाएगी डायरेक्ट, तुरंत नीचे ज़मीन पर अर्थिंग दिया है, तुरंत ये हो जाएगा। ऑपरेटर के सेफ्टी के लिए ये दे के रखा है हम लोगों ने, लाइटिंग अरेस्टर ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए दे रखा है, अगर बिजली लगती भी है तो तुरंत नीचे से पास हो जाती है, ऑपरेटर सेफ रहेगा इसमें, ठीक है। सर, आपको मैं बता रहा हूँ, ये अपना हॉस्टिंग मोटर है, ठीक है सर, इसे क्या होता है, अपना हॉस्टिंग जो इसी से अपना लोड को जो ना उठाया जाता है, ये अपना हॉस्टिंग रफ जो होता है ये 10 mm का है, ठीक है सर। बाकी अपना वो लिमिट हो गया, हॉस्टिंग लिमिट, वो जो येलो कलर का जो है, हाँ सर, वो है, ठीक है, हॉस्टिंग मोटर, वो सर है मोटर है, हॉस्टिंग मोटर, ये मोटर है ना, हॉस्टिंग मोटर है ना, हाँ, इसको जो है ना घुमाता है। और ये जो हॉस्टिंग मोटर का सर, सर ये गियर बॉक्स है, हाँ सर, इसमें जो ना आयल रहता है, इसमें आयल है, अगर कोई भी ऑपरेटर चेक करना चाहे तो ये जो है ना गेज है, ठीक है, और यहीं से आप चेक कर सकते हैं कि आयल कितना होता है। इसको मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, मैं ये देखिए आयल पूरा भरपूर है, मैं साफ कर लेता हूँ कपड़े से, ये आपका मैं इसमें एक पॉइंट दिया रहता है सर, आपको मैं दिखाता हूँ सर, ये देखिए ये एक पॉइंट है, कम से अगर आयल कम भी है ना तो ये पॉइंट तक होना चाहिए, अगर ज़्यादा है तो ये पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट है, 1, 2, 3, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है। इसको आप गैस नापने का तरीका यही है कि इसको ऐसे इसको डालिए अंदर में, फिर इसको नापिए, देखिए ये पूरा बता रहा है, इसे देखिए पॉइंट का इतना बता रहा है ना, फिर इसको आप चेक कर लीजिए कि हाँ ये हमारा गियर बॉक्स में आयल सही है। अगर सर गियर में आयल बॉक्स नहीं रहेगा ना तो गियर कटने का डर होता है, ठीक, और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आता है, और उससे क्या होता है एक्सीडेंट होने का भी चांस हो जाता है, क्योंकि अपना ये लॉक नहीं होता है, ये अपना गियर जब कट जाएगा तो गियर जो है ना पेनी में जो है ना पकड़ता नहीं है, वो पेनी जो है ना पूरा कट जाता है, तो इसके लिए अपने को ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। आपका मैं बता रहा हूँ, ये अपना हाइड्रोलिक पंप प्रेशर, इसको बोलते हैं लाइनर, ये अपना ब्रेक है, ये अपना जब डाउन करते हैं तो स्टॉप करना होता है तो इसी से काम करता है, ठीक है, हाइड्रोलिक आयल प्रेशर पंप बोलते हैं इसको, ये हाइड्रोलिक आयल प्रेशर पंप है, ये इसके अंदर में जो है ना लाइनर है, ये वाला ना, हाँ सर, हाँ सर, ये जो अंदर में है लाइनर, इसका अंदर में है। बाकी अपना इसमें चार्ट दिया गया है, क्या क्या चेक करने का है, हॉस्टिंग रफ कैसे चेक करने का है, और ये अडजस्टर कैसे करने का, लाइनिंग अडजस्टर, बाकी ये कितना पे होना चाहिए, कितना mm होना चाहिए, ये सब दिया गया है। एक्चुअली मैकेनिक आता है तो वही करता है, ठीक है, अपने को ऑपरेटर का काम है बस चेक करना इसमें, और बराबर देखने का, मेंटेनेंस का है हाल ही में ही, अभी अपना सब कुछ ओके है, कोई टेंशन नहीं है। और अपना वो काउंटर बेड है, वो देखो वो जो पत्थर का दिख रहा है ना काउंटर बेड, और काउंटर बेड के ऊपर है एलिवेशन लाइट, हाँ वो सर। अरे काउंटर बेड कितने कितने टन की है पता है क्या कुछ? हाँ सर, ये 9,000 kg है, जो कि 9 टन बोलते हैं उसको, हाँ 9,000 kg और 9 टन है ये टोटल इसका काउंटर बेड। बाकी अपना बूम जो है 50
50 मीटर का है। अपना बूम का लेंथ जो है 50 मीटर का है सर। इसको बोलते हैं, ये पीछे में बैक साइड में ऊपर में है ये, इसको बोलते हैं पैनल। ठीक है, इसको अंसर जी इसको ज़रा खोल के दिखाओ, पैनल में क्या होता है देखेंगे हम। अभी मैं आ सकता हूँ? नहीं आ सकता हूँ। ठीक, ये सर आपको मैं बता रहा हूँ, ये दो इसमें बैटरी दिया है स्विंग लॉक करने के लिए। ठीक है, और ये अपना हीटलर है, ये अगर बारिश में पैनल ठंडा हो गया तो ये जो ना हीट करता है अपना पैनल को। हाँ, ये दोनों है, ये दोनों में हाँ सर हीट करेगा। हाँ, हीट करता है। ये अपना बड़ा सा जो है ट्रांसफार्मर है। अच्छा, ये क्या काम करता है कि अगर ज़्यादा वोल्टेज आ गया अपना तो ये कंट्रोल करके तब इसमें डिवाइस करता है। हाँ, कंटेक्ट करता है, क्योंकि इसमें डीसी और एसी दोनों है। ठीक है सर, और बाकी जो है अपना ये स्विंग के लिए दिया है, इसमें बताता है अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो इसमें बताता है। ठीक, और अपना ये है पंख है एयर कि अगर गर्दा वगैरह आ गया पैनल में तो इसको बाहर करता है ये स्विच करके। बाकी सर ये एमबीसी वगैरह है, तो कंटेक्टर वगैरह है, रिले वगैरह है, इसमें सब है। और इस साइड में है हिल स्टेशन, ये है सनी वर्ल्ड, इस साइड में हिल स्टेशन, और इस साइड में है रिवर, रिवर साइड है, यहाँ पर एक नदी जाती है, वहाँ सामने दिख रहा होगा आपको एक ब्रिज है। ठीक है, एकदम हावड़ा ब्रिज की तरह लगता है, ऐसा ही इसका बना के रखे लोहे का। व्यू देखिए आप लोग कैसा दिख रहा है, एकदम मस्त, पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पूरा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है, टोटल टोटल यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन है। इस साइड में देखिए, और 2 साल में पूरा ये मैप और पूरा नक्शा चेंज हो जाएगा। 2 साल के अंदर यहाँ पर सारे बिल्डिंग बन जाएंगे, पूरे टोटल बिल्डिंग बन जाएंगे यहाँ पर। तो गाइस, अभी यहाँ पर टावर क्रेन एक है, सिंगल है हमारे पास। तो इस साइड में जो R7 है, R7 में पीछे दिख रहा होगा आपको, 2 टावर क्रेन है यहाँ पर एक है, उसके पीछे एक है। होता क्या है ना, जब 2 टावर क्रेन पास में आते हैं उसमें ACD कंपलसरी लगाना ज़रूरी है। ACD का फुल फॉर्म होता है एंटी कोलैप्स डिवाइस, मतलब जब पास में आएंगे ये लोग ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएंगे, कुछ काम ही नहीं करेगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस उसमें हाई नहीं, 0 एक्सीडेंट। ठीक है, ACD कंपलसरी काम करना और उसमें मेंटेनेंस करके रखना हमको ज़रूरी होता है। Too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it चुका है मेरा विजिट, मैंने देख लिया सब चीज़। अभी जाना है मेरे को यहाँ पर पूरा नीचे में डाउन में। ठीक है, लंच का टाइम हो गया है, सुबह में आया हूँ मैं 9:30 को, 9:30 से विज़िट करते करते मेरे को 1 बज चुका है। तो गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे लोगों तक पहुँचना चाहिए होगा ये टावर क्रेन क्या होगा, दूसरे लोगों को भी पता चले, कई लोग ये जानते नहीं है। इंडिया में ज़्यादा हवा चल रही है इसके लिए आपको सुने नहीं आ रहा होगा। और हम लोग जाएंगे अभी नीचे, बेल्ट फंसा हम लोग पहन चुके हैं सेफ्टी बेल्ट, और यहाँ से हम लोग उतरेंगे नीचे। ठीक है, जाएंगे नीचे। हाँ चलिए, चलो नीचे जाएंगे।